आचार्य महापुरुष तपस्वी श्री शिव मुनि जी महाराज, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि जैन समाज जो संस्कारों का भंडार है, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे, हर इस समाज के अंदर सिर्फ एक चीज जो इस राष्ट्र को मजबूत करती है, हमारी भारत माता की रक्षा करती है, हमारे धर्म को मजबूत करती है, वो है संस्कार। जो आज के युग में हम संस्कारों से, जो हमारे संस्कार से उससे भटकते जा रहे, पर जहां ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारा कुछ आपके लिए, राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि की सेवा के लिए, नई जनरेशन को एक नया रास्ता देने के लिए, एक आदर्श के रूप में, एक तपस्वी के रूप में आपको, हमको शिक्षा, हमें प्रेरणा, हमें संस्कृति समय टू समय देते रहते हैं। हम बहुत समागमों पे जाते हैं और खास तौर पे जैन समाज से मेरा बहुत एक पारिवारिक और नजदीकी रिश्ता हो चुका है। मैं बार बार कुछ जो मेरे जिंदगी के अनुभव है मैं जरूर बताता हूं। मैं आज से काफी समय पहले कड़क सर्दी के अंदर बालाजी मेहंदीपुर हर महीने जाता हूं, मत्था टेकने जा रहा था दिल्ली से राजस्थान। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत थी, गुड़गांव के आगे कुछ जंगल बियाबान था। वहां मैं क्या देख रहा हूं, एक छोटा सा बच्चा एक झंडा हिला रहा था और उसके पीछे हमारे महापुरुष से और कुछ आप जैसे उनके रास्ते पे चलने वाले 7-8 हमारे भाई साहब थे। मैंने अपने दोस्त से पूछा जो गाड़ी चला रहा था कि ये झंडा किस पॉलिटिकल पार्टी का है। उसने कहा नहीं, ये जैन समाज का झंडा है। और जैसे ही आगे देखा तो एक तपस्वी थे, कड़क सर्दी थी, पांव पे जूता भी नहीं था और सर्दी भी नहीं लग रही थी। मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, सुरक्षा बहुत थी आगे पीछे, हमको अंदर भी सर्दी लग रही थी। मैंने कहा गाड़ी रोक दो, संतों के दर्शन हो गए। गाड़ी रोकी, मैं कहा गाड़ी चला दो, गाड़ी चल गई। मेरे दोस्त ने मेरे से सवाल पूछा, आपने गाड़ी रोकी और गाड़ी चला भी दी। मैं कहा गाड़ी रोक लेता, जो महापुरुषों के भगवान से तारे जुड़ी हुई थी, जिनको सर्दी का कुछ नहीं, नीचे पत्थर है कुछ नहीं, तो मैं अगर रोक लेता, सुरक्षा उतर जाती, उनका ध्यान कहीं और जाता, शायद मुझे पाप चढ़ जाता। आज भी वो महापुरुषों के चरण मेरी आंखों के सामने रहते हैं। जब भी मैं भगवान के सुबह प्रार्थना करता हूं, वो चरण मेरी आंखों के सामने रहते हैं। ये तो समझने की बात है। हम पॉलिटिशियन लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या जो संस्कार हमारे महापुरुष देते हैं, उन संस्कारों को हम आगे पहुंचा पाते हैं या अपने तक ही रह जाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। मेरा एक दोस्त, उसका एक 5-स्टार होटल भुज और कच्छ में है, समुन्द्र के किनारे, जैन समाज से जुड़ा हुआ। एक बार मौका मिला जाने का, कुछ शहीदों का कार्यक्रम था। मैंने कहा यहां बड़े फॉरेनर आते हैं तो सब कुछ खाना पीना सब लोगों को मिलता होगा। कहते हम नॉन वेज नहीं बनाते हैं। मैं कहता तो होटल कैसे चलता है?
कहते मेरे पिताजी ने कहा था होटल तो बनेगा चले या ना चले महापुरुषों की भगवान महावीर की कृपा पे चलेगा पर यहां नॉन वेज नहीं बनेगा आज भी वो होटल है इसको कहते हैं संस्कार। ये मेरे पास अबे जी मुझे जो यहां महावीर जी के दर्शन कराए भगवान जी के आचार्य जी के दर्शन कराए आपके दर्शन कराए ये मेरे घर भी आता है तो उसको कहूंगा चाय का कप पी ले मेरे घर में चाय नहीं पीता मुझे बुरा नहीं लगता। अभी सर्किट हाउस में थे कुछ खा लो नहीं खाया उसको क्या कहते हैं संस्कार इसको कहते हैं संस्कृति। घर में अगर चले जाते घर में संस्कृति पैसा हर चीज सब कुछ है पर घर में वही संस्कृति माओ की बहनों की बेटियों की बुजुर्गों की वो नजर आती यही तो है हमारे राष्ट्र की मजबूती यही तो है हमारे राष्ट्र की ताकत। अगर यही संस्कृति अगर कमजोर हो जाए तो हमारा राष्ट्र कभी नहीं बच सकता हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कहां जा रहा था हमारा देश आज से 10 साल पहले कहां जा रही थी हमारी संस्कृति। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं पर मुझे वंदे मातरम से प्यार है मुझे राष्ट्र से प्यार है। मैं 15 बार अपने शरीर के ऊपर बम्बों और गोलियों से जख्म झेले हैं जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था जब बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे जब बच्चे यतीम हो रहे थे जब खून की नदियां बह रही थी तब ये महापुरुष 5 बजे के बाद को घर से निकलता नहीं था किसी मां को पता नहीं होता था मेरा बेटा मेरा पति मेरी बेटी घर से निकली है वापस आएगी नहीं यही आएगी आतंकवादियों को गोलियों का निशाना बना दिया जाता था और बसों से निकाल करके ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को बाहर निकाल करके हिंदू समाज के लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया जाता तो कहते थे खालिस्तान बनाएंगे। उस वक्त ये समाज उस वक्त ये महापुरुष नंगे पांव कोई गनमैन नहीं कोई सुरक्षा नहीं हमारी तरह एक महावीर जी का शांति का संदेश लेके निकला करते थे और मातृभूमि की सेवा के लिए और कहा करते थे अखंड भारत एक है राष्ट्र एक है एक रहेगा। पता नहीं कितनी कुर्बानियां हुई होंगी तो कौन इतनी तपस्वी कौन तपस्या करता है कि लगातार नंगे पांव चलते रहो कुछ खाना नहीं पीना नहीं इससे बड़ा तप कोई हो नहीं सकता। ये तो समझने की बात है मैं तो समझता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज ये संस्कृति थी जो हमारा राष्ट्र बचा है और आज आपको इस चीज की मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। कोई पॉलिटिकल बात नहीं मैं किस पार्टी से हूं कोई किसी का हो सकता है पर प्रथम राष्ट्र ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई प्रथम राष्ट्र वो भगवान जी की भगवान आचार्य जी की कृपा से वो आज हमें जो इन्होंने आशीर्वाद दिया जो इन्होंने तप किए महापुरुषों ने आज हमारा भारत पहली बार मुकम्मल आजाद हुआ है। आज भारत का संविधान भी एक होगा भारत का जनगणमन भी एक होगा भारत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा भी एक होगा और आज संविधान और भारत भी एक होगा। आज कश्मीर में 370 धारा नहीं आज भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला गया। सवाल वो नहीं है सवाल कुछ करने का है सवाल कुछ मौत का कफन बांध करके राष्ट्र की समाज की बहनों की माओ की बेटियों की बुजुर्गों की आने वाली टाइम पे रक्षा करने का है। पिछले 5 साल के अंदर कोई 26/11 की घटना नहीं हुई कोई पार्लियामेंट पे हमला नहीं हुआ किसी का बहन का सुहाग नहीं उजड़ा को बच्चा यतीम नहीं हुआ। हां कश्मीर में जरूर हुआ है हां दीनानगर में जरूर हुआ है पर वो जड़ को उखेड़ा गया है कैंसर की बीमारी को जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों की बीमारी हमें परेशान कर रही थी गोलियां चल रही थी बम चल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने अगर आचार्य जी महापुरुषों की आपकी आशीर्वाद से किया है तो हम उनको जरूर कहेंगे उनका धन्यवाद है और महाराज जी का भी धन्यवाद है जिन्होंने तप जप किए होंगे कि हमारा भारत हमेशा शांति और अमर रहे हमारे बहनों के सुहाग हमेशा बचे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी महाराज के चरणों में आपके चरणों में यह जरूर फिर वादा करके जाता हूं किस राष्ट्र की सेवा के लिए
इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, हमारे बम्बों से बचा हुआ जीवन का हिस्सा, भगवान महावीर जी के असूलों पे चलते हुए इस अमन शांति के लिए बार बार फिर गोलियां बम खाने के लिए हाजिर रहेगा और अमन शांति हिंदुस्तान में रहेगी। और आखिर में यही कहूंगा, हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं। वंदे मातरम, जय महावीर, वंदे मातरम।